दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम एक नादर और नायाब नक्श का अमल आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपका अपना चैनल अल मौलज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह तबारक व ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहे और अपनी शान व सिफात के मुताबिक आप पर खूब रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम एक नादर और नायाब नक्श का अमल आपके साथ शेयर करेंगे। ये नक्श अज़ीम घर से भागे हुए को वापस लाएगा और वादा करके फरेब देने वाले को कान से पकड़कर आपके सामने ला हाजिर करेगा। लोग वादा करते हैं और कुछ अरसे के बाद उन्हें कोई और पसंद आ जाता है और वो पुराने ताल्लुक को ख़त्म करके नई मंजिलों की तरफ निकल जाते हैं और पीछे रह जाने वाले रास्तों को तकते रहते हैं। इस नक्श की बदौलत इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ रास्ता बदलने वाले या रास्ते में छोड़ के जाने वाले आपके पास वापस आने पर मजबूर हो जाएंगे। इस नक्श को एक ही बार बनाना है, लेकिन इसको ज़ाफ़रान से बनाएं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर ज़ाफ़रान से बनाना मुश्किल हो तो ब्लैक मार्कर से ही बना लें तो भी इंशाल्लाह ये नक्श अपना काम करेगा। ये 9 खानों वाला पावरफुल नक्श है। चारों कोनों पर 4 फरिश्तों के नाम लिखे हैं और 9 खानों में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को लिखा गया है। इसी तरह का नक्श आपने बनाना है और इस नक्श को बवक्त ज़िवाल बनाएं। ज़िवाल का वक्त दिन को 11:50 से लेकर 12:20 तक होता है। इसी आधे घंटे में इस नक्श को मुकम्मल कर लें। नक्श को मुकम्मल करने के बाद उसको सुर्ख रंग के कपड़े में बांध लें, लेकिन उससे पहले नक्श को 2 या 3 कतरे इत्र लगाकर फोल्ड करना बेहद ज़रूरी है। फोल्ड करके सुर्ख कलर के कपड़े के टुकड़े में बांधकर सुर्ख ही कलर की डोरी में बांधकर किसी फलदार दरख्त पर लटका दें, ऐसी जगह जहां यह हवा से झूलता रहे। अपने घर के बरामदे में भी लटका सकते हैं। अगर दरख्त आपके कहीं करीब नहीं है तो बरामदे में भी किसी कील के साथ लटका दें, लेकिन ज़रूरी यह है कि इसको हवा के साथ झूलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ चंद ही दिनों में मतलूब दीवानावार आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा और अपने किए पर नादिम भी होगा। इस अमल की सबको इजाज़त है, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ ना करें, क्योंकि यह कुरानी अमल है और इसका नुकसान भी हो जाएगा अगर आपने इसको नाजायज़ मकसद के लिए किया। तो दोस्तों, बात हमारी तमाम हो गई और मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।